ऐसे ही वाराणसी में संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली श्री गोवर्धन को भी डबल इंजन की सरकार पुनरुद्धार का कार्य करते हुए मध्यकालीन सिद्ध संत संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति भी नमन करने का कार्य कर रही है। याद करिए संत रविदास जी के पूज्य गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने घोषणा की थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये हरि को भजन करने में अपने में इतनी लीन थे, उन्होंने हम सबको कर्म की प्रेरणा देकर के एक ही बात का संदेश दिया था कि मन चंगा तो कठौती में चंगा। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि के नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन पांच प्रमुख स्थलों को मऊ मध्य प्रदेश जहां का जन्म हुआ था, मऊ छावनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बना, दिल्ली में सार्वजनिक जीवन उन्होंने जहां व्यतीत किया था उस भवन को एक भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया, इंग्लैंड में रहकर के जिस आवास में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की इसे खरीद करके अनुसूचित जाति के हमारे बंधुओं के लिए स्कॉलरशिप देकर के उच्च डिग्री के लिए इंग्लैंड में रहने की व्यवस्था के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया और उनकी दीक्षा भूमि नागपुर को भी भव्य स्वरूप और स्मारक देकर के चैत्य भूमि को भी भव्य स्मारक और वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, दिल्ली में आप जाइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की स्मृतियों को ताजा कर देता है। यह भी अगर किसी ने बनाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज डबल इंजन की सरकार भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रही है जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और छात्रावास की भी व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन की सरकार है जो बोलती है वह करके दिखाती है और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है, इनमें से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे बंधुगण उससे लाभान्वित हुए हैं। अभी 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और एक कार्यक्रम 15 नवंबर को पूरे देश के अंदर आयोजित होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर के तैयार किया था
26 नवंबर की तिथि भारत के अंदर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा सके, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही करके दिखाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति सर्वा सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए इस कार्य को किया। आपने देखा होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए प्रदेश में डबलिंग जंग की सरकार बनी तो हम लोगों ने घोषणा की कि हर मुसहर को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोल जाति के हर व्यक्ति को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन राजमणि कोल हमेशा हमारे पास